अगर आप अपनी सिंपल सी बोरिंग सी बेजान सी डांस वीडियो में जान डाल देना चाहते हैं तो आपको उसे अच्छे से एडिट करना पड़ेगा। और किसी भी डांस वीडियो को अच्छे से एडिट कैसे करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हे गाइज, मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। मैं पिछले 5 साल से प्रोफेशनली फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप एक अच्छी क्वालिटी की डांस वीडियो शूट कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे शूट करना सिर्फ एक फाइनल वीडियो का 50% हिस्सा है, बाकी का 50% जो है आपकी एडिटिंग पे डिपेंड करता है, कैसे आप उस वीडियो को अच्छे से एडिट करते हैं। मैं वीडियोस एडिट करता हूँ अडोबी प्रीमियर प्रो पे। आप चाहे दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, हर एक सॉफ्टवेयर में जो हमारे प्रोसेस हैं वो सेम रहते हैं, बस शॉर्टकट कमांड जो होती है हमारी थोड़ी बहुत, कट का बटन, कॉपी का बटन, पेस्ट का बटन, हो सकता है वो शायद सब में थोड़ी अलग अलग हो, लेकिन जितना प्रोसेस है एडिटिंग का वो लगभग हर सॉफ्टवेयर में एक जैसा ही होता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये कि आपकी जो रॉ क्लिप्स हैं, आपकी जो वीडियोस हैं जो आपने शूट करी हैं, उनको अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेना। लगभग हर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन होता है कि आप उसमें वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियोस इंपोर्ट करने के बाद हमारा जो ओरिजिनल सॉन्ग है जिसपे हमने डांस वीडियो बनाई है उसका ओरिजिनल सॉन्ग हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। अब आते हैं हम वीडियो के टाइमलाइन की तरफ। हर सॉफ्टवेयर में एक टाइमलाइन होती है जहाँ पे पूरी वीडियो जैसे भी हम एडिट करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी प्रोसेस हमारा रहता है वो सब उस टाइमलाइन पे होता है। अब अपनी वीडियो में से जितनी भी ड्यूरेशन आपको चाहिए, जितने भी सेकंड्स पे आपने डांस किया है, उससे एक्स्ट्रा पार्ट जितना है हम उसे डिलीट कर लेंगे। वीडियो का पोर्शन डिलीट करने के लिए या तो हम अपने कंप्यूटर पे सी का बटन दबा के ब्लेड का ऑप्शन मिल जाएगा हमें अडोबी प्रीमियर प्रो में, हम उससे कट लगा सकते हैं और कट करने के बाद हम डिलीट का बटन दबा के वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो डायरेक्ट वीडियो के स्टार्टिंग से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं उस पॉइंट तक जहां तक हमें वीडियो को कट करना है, या फिर आप वीडियो के एंड को ट्रिम करने के लिए उसको क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए आगे की तरफ, आपका पीछे का हिस्सा सारा डिलीट हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं हमें सॉन्ग को मैच करना है हमारी वीडियो के साथ। जो भी हमारी वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक है जब हम डांस कर रहे थे, जहां से हमारा साउंड रिकॉर्ड हुआ है, उस साउंड को हमें मैच करना है हमारे ओरिजिनल ऑडियो सॉन्ग से। आप टाइमलाइन को जितना मर्जी जूम करके मैच कर सकते हैं, स्क्रॉल बार को आप कर्सर से आगे की तरफ स्लाइड करेंगे तो वीडियो जूम हो जाएगी, पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे तो वीडियो जूम आउट हो जाएगी। क्लिप्स को मैच करने के बाद जब आपके दोनों साउंड एक साथ प्ले हो रहे हो तब आप अपनी वीडियो के ओरिजिनल साउंड को, यानी कि जो आपने वीडियो शूट करी थी उसके साथ जो साउंड आया था, उसको आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको अपने डांस वीडियो में कोई पार्ट स्लो मोशन या फास्ट में करना है तो आप सिंपली उस पार्ट को स्प्लिट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि ब्लेड के ऑप्शन से आप उतना कट लगाइए जितना पार्ट आपको स्प्लिट करना है स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन के लिए। फिर उस पार्ट को आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, आप जितनी चाहे उतनी स्पीड डाल सकते हैं। अडोबी प्रीमियर प्रो में 20,000 गुना तक स्पीड हम फास्ट कर सकते हैं और स्लो के लिए तो फिर 100 तक ही मीटर होता है, तो फिर आप उतना भी स्लो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारी एडिटिंग का सबसे मेन स्टेप, कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप अपनी वीडियो की लुक किसी भी तरीके की बना सकते हैं। आप कितनी ही साईफाई बना सकते हैं, कितनी ही हॉरर बना सकते हैं, कितनी ही अच्छी या कितनी ही बुरी, आप जैसा चाहे वैसी बना सकते हैं कलर ग्रेडिंग की वजह से। कलर ग्रेडिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, वो एक वीडियो में कवर ऐसे नहीं हो सकता, बट हम कोशिश करेंगे कि बेसिक्स आपको समझा सकूं कैसे क्या क्या करना है। आप एक न्यू लेयर बनाएंगे सबसे पहले और उसके ऊपर हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट वीडियो के ऊपर भी अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि मान लो कि आपकी वीडियो में 15 क्लिप्स है, अब उन 15 क्लिप्स पे या तो आप एक एक करके एडिटिंग कर सकते हो अपने कलर्स की, या फिर एक एडजस्टमेंट लेयर बना के आप उन सब के ऊपर एक ही साथ कलर की लेयर लगा सकते हो। अब इसका लोकल एग्जांपल मैं दूं तो कि मान लो कि आपको 5 पेस्ट्री बनानी है, या तो आप एक एक करके 5 पेस्ट्री बना सकते हो, या फिर आप एक केक बना लो उसको काट के 5 पेस्ट्रीज बना लो। तो इसी तरीके से हम कलर ग्रेडिंग भी एक ही लेयर पे बना के पूरी वीडियो के ऊपर रख सकते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स में जो कलर ग्रेडिंग के फीचर्स हैं वो काफी कम होते हैं, लेकिन अडोबी प्रीमियर प्रो में काफी ज्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप उसमें बेसिक तो चीजें सबको मिल जाएगी, जैसे कि कितनी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स या फिर एक्सपोजर हमें कम ज्यादा करना है, आप वो कर सकते हैं। कलर्स के आपके पास ज्यादा फीचर्स हैं तो आप उनको ट्राई करते रहिए अपनी वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं भी यहां से तो शायद आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो आप अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग देखिए कि आपके सॉफ्टवेयर में कितने ऑप्शंस हैं कलर ग्रेडिंग के। कलर ग्रेडिंग करने के बाद आपकी वीडियो की लुक बहुत अच्छी हो सकती है।
फिर उसके बाद लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि हम वीडियो में अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं या फिर हम सॉन्ग का टाइटल लिखना चाहें या कुछ भी हम लिखना चाहें। लगभग हर सॉफ्टवेयर में नेम के लिए प्रीसेट्स ऑलरेडी बने होते हैं, आप उनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप अपना कस्टम प्रीसेट बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनल स्टेप जहाँ पे सबसे बड़ी गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है आपकी एक्सपोर्ट्स की सेटिंग। जब आप वीडियो को सेव करने लगते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट फुल HD में सेव कर देते हैं एज इट इज। काफी लंबे समय तक मैंने भी ये गलती करी कि मैंने फुल HD का ऑप्शन क्लिक किया और मैंने वीडियो को एज इट इज सेव कर दिया, जबकि वीडियो को सेव करते हुए अंदर फीचर्स जो है हमें ध्यान देने चाहिए कि अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब अगर बाय डिफॉल्ट हम प्रीमियर प्रो में फुल HD के ऑप्शन पे हम सेव करते हैं तो हमारी वीडियो की बिटरेट होती है करीब 10, 12 या फिर 14, जो कि काफी कम है अगर हम एक क्वालिटी वीडियो की बात करें तो। अब अगर आप वीडियो को 14 बिटरेट पर सेकंड पे आप सेव करते हैं तो हो सकता है कि आपको वीडियो 1080 में देखने में अच्छी लगे, बट अगर आप उसको YouTube पे डालेंगे और कोई उसको 360 या 480 में देखेगा तो उसको वीडियो की क्वालिटी में मजा नहीं आएगा। नॉर्मली मैं अपने वीडियो के बिटरेट रखता हूं 22, 24 या फिर 30, ताकि अच्छी क्वालिटी में हम वीडियो सेव कर सके। वीडियो का फाइल साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होगा नॉर्मल वीडियो से, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी में हम उसको प्ले कर पाएंगे YouTube पे। अगर आप उसको 240 पिक्सल में भी देखोगे तो काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको वो लगेगी। उसके बाद फ्रेम रेट्स मैं मोस्टली रखता हूँ 24 फ्रेम या 25 फ्रेम पर सेकेंड पे, उसके बाद फिर मैं वीडियो जाके सेव करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एडिटिंग के लिए, हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना सकते हैं आगे फ्यूचर में। अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो हम मोबाइल के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए